मैं सोच रही हूँ मैं बच्चों के लिए पहले डब्बे रख लूँ, क्या अच्छी से लगी रहेगी पूरी रात। ये कह रहे मैं भी बनाऊंगा, मम्मी की पूरी बात मानता है। थोड़ा मेरा ना दिमाग वो हो गया, पैसे वैसे ना दिमाग इसका घुटनों में था रहा। मैं हंडी छोरा हंडी हंडी काम करूंगा, काम के लिए मां बाबू का नाम करूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूं आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो अभी ये सोच रहे होंगे कि इतनी शाम को व्लॉग क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि सुबह से मैं गई हुई थी किसी अर्जेंट काम से बाहर। तो अभी जस्ट बच्चे आए नीचे से वॉक करके, वॉक मतलब पार्क में घूम के आए हैं। तुबू क्या खाई खाई करती रहती है सारा दिन? सारा दिन कहाँ खाई खाई करती है? आनू भाई कहाँ है? आनू भाई को बहुत पीटी करी ना आपने आज। तो गाइज जिसने व्लॉग नहीं देखा है ना चीकू का, जरूर जाके देखना। आज इसने यान ने इसकी पीटी करी है बहुत ज्यादा। और मेरा जैदू बाबू ठीक है, तबीयत ठीक है? कैमरा चाहिए? नहीं नहीं, कैमरे से दूर रहो। नहीं उंगी नहीं खाते, उंगी नहीं। उई गंदा बच्चा। क्या हुआ था दीदी? मैं तो थी नहीं। इसने तो बना यान को मारा है इसने। क्यों करती है ऐसे? और यहाँ पे ना मन्नू हंस रही है, तो उसे देख के कह रही है हंस मत मेरी बात पे। बाबू बताइए मुझे एक बात बता, ये अब ये निकाल के खाने का दिल है इसका? ये खाने का दिल है इसका? तुबू आपने सुनो, तुबू सुनो, तुबू मम्मा जा रही है, बाय तुबू, तुबू बाय, मम्मा जा रही है, बाय तुबू। देखना गाइस अभी बाय जा रही हूँ। तुबू ध्यान क्या है तुम्हारा? वहाँ पे तो ध्यान है नहीं। अभी ये कहाँ देख रहे हो मुझे पता है अच्छे से, ये चच्चू को देख रहे हैं, क्योंकि चच्चू जाते हैं हमेशा गाड़ी लेके ना, तो इनको ये है कि चच्चू लेके जाएंगे। तुबू बाय, मम्मा जा रही है, बाय गुमी गुमी। बढ़िया, अभी आई थी मेरी लादू रानी आई थी। तो चलो घूमी घूमी, चलो घूमी घूमी, चले चले चलते चलते। तू बाय, भाई को लेके जा रही हूँ, बाय हाँ कल मिलती हूँ, ठीक है? भाई का बर्थडे है ना, तो भाई को लेके जाऊंगी। तो भाई अभी मैं निकल रही हूँ, क्योंकि बाकी जो आधा तो तैयारियाँ हमने कर ली थी सारी, डेकोरेशन वगैरह सब चीज़ की कर ली थी, पर ना अभी जैसे सब्जियों का तो मैं कल ही करूँगी, फ्रेश सब्जी लेके आऊँगी। अभी जो है मुझे पनीर वगैरह ऑर्डर करके आनी है, जो भैया ने बताई है कि जितनी पनीर दूध वगैरह जो भी लगना है, पिट्ठी वगैरह, वो सब मेरे को ऑर्डर करके आनी है। और साथ ही साथ ना दो चार काम और हैं, वो कर लेती हूँ। और आज ना हमारे जैद का शूट कैंसिल हो गया। आप सबको पता है क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई थी। तो हम नहीं चाहते थे और ज़्यादा वो परेशान हो जाए, क्योंकि बर्थडे वाले दिन भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, केक कटिंग करेगा, सबको खिलाएगा पिलाएगा। तो हमने उसको सोचा है कि उसका जो फोटो शूट है वो जब थोड़ा ठीक हो जाए के पास, आसपास तीनों का एक साथ ही करा देंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो गाइस सुबह चीकू के लिए उठी थी ना, उस टाइम पे ये लगा लो मुझे ना, उससे पहले मतलब 6 बजे के करीब मुझे फीवर आया। फीवर आके मैंने देखा सब सो रहे हैं, तो मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, तो कंबल उठाए, खुद गोली खाई और सो गए। सोते मतलब ये लगा लो थोड़ी, जैसे 6 बजे सोई थी, 7:30 बजे उठी, तो अपने आप को कम्फर्ट फील कर रही थी। तो इसीलिए जो है मैंने व्लॉग आज सुबह गोले वाले व्लॉग में मैं आपको नहीं दिखी हूँ, यही रीजन। तो गाइस सुबह से अब हम मिले हैं, टाइम ही नहीं मिला, कभी ये बाहर कभी मैं बाहर, फिर बड़ी मुश्किलों से जाके मिले। तो फाइनली भाई आयान की मैं दवाई ले आई हूँ, डॉक्टर मोहित से जाकर लेके आई, क्योंकि ना जो डॉक्टर जितेंद्र है वो बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर जितेंद्र जो दवाई आयान को दे रहे थे ना, वो पीडियाट्रिक है, वो उसको असर नहीं करी थी, क्योंकि वो लाइट फॉर्म थी। क्योंकि इसको जो आयान को पाल, पता क्या हुआ है आयान को, मेरे को डॉक्टर ने बताया इसको ना एक जैसे तो एक मच्छर होता है, इसको इंसेक्ट बाइट हुआ है, इंसेक्ट। और एक डॉक्टर ने एक और बात बोली बहुत इमरजेंसी की, आयान को स्पेशली ना मॉस्किटो नेट में सुलाना है और कमरे में स्प्रे नहीं करना। अगर आप मॉस्किटो नेट में, अगर आपको लगता है बच्चा नहीं सो रहा, कोई इशू नहीं है, उसके कमरे में ऑल आउट 24 आवर्स ऑन रहना चाहिए, ठीक है? और वो भी माइल्ड वाला ऑल आउट, वो ग्रीन मतलब वाला, गोल्ड वाला जो एक अच्छा होता है, ले लेंगे अभी ले लेंगे। ये बोला और एक और बात बोली थी डॉक्टर ने, डॉक्टर ने ना मेरे को बहुत सारी चीजें बताई। एक मॉइस्चराइजर है इसके फुल बॉडी पे लगाना है, एक ये दी है क्रीम जो इसके नाइट में लगाना है, सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट बाइट पे, उसको इतनी सारी इंसेक्ट बाइट होगी, 1, 2, 3, 4, 5 इंसेक्ट बाइट। ये पता क्या 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 हुआ है? मैं बताती हूँ गाइस, हमने जो मकान अभी रूम रेडी करवाया ना, रूम रेडी करते हुए ना वो गेट खुला हुआ था, गेट खुले होने की वजह से ना मच्छर अंदर आ गए और मच्छर काट लिया। हेलो गाइस, अभी ना हम किसी ऑफिस में गए थे, वहाँ पे ऑफिस में ना हम कोई काम करा रहे थे, तो एक आंटी आई, बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही स्वीट सी आंटी थी। तो उनको भी उसी ऑफिस में कुछ काम था, वो ना 2 घंटे से इसी रोड में घूमे जा रही। किसी ने उनको उस ऑफिस के बारे में बताया नहीं कि ये ऑफिस ये, कह रही मैं यहीं से गई थी, इसके सामने से मैं गई थी, और मुझे लगा यही है। पर उन्होंने किसी से पूछा, बबुआ बता दो, तो उन्होंने बताया नहीं। कह रही फिर मैं कहीं जाके, वहाँ कहाँ पे बताया था, कोने पे जाके वो आगे चली गई, बहुत दूर जाके हमारे घर की तरफ चली गई। वहाँ पे जाके किसी मोबाइल वाले दुकान वाले भैया ने बताया, यहाँ आई, फिर मैंने उनको बोला, जिनने ना मेरा काम किया, मैंने कहा अर्जेंट बेस पे इनका काम करो, मैं कहा आंटी टेंशन मत लो, मैं यहाँ की मैनेजर हूँ, नहीं ये ओनर है, और जो कैमरा चला रही है मैनेजर है, आप टेंशन मत लो। मैंने मैनेजर से बोला आंटी मैं ओनर, तो आंटी आई मेरे को सारी बात बताने लग गई, उसने हर बार सारी बात बताई है, मेरे को दूसरे ऑफिस में जाना है, तो मेरे जो मैनेजर है उससे बात करूंगा भैया।
इन्होंने बोला एक मिनट में कंपनी अपनी बना ली, एक मिनट मैनेजर बना लिया। वाह परंटी अच्छी थी, बोली थी बेचारी। हाँ यार होता है, इंसान होती है। तो गाइस फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन हमें सामान लेना है और कल हमें जाना है एक बहुत स्पेशल जगह पे, जिसका पायल आपको दो चार दिन से जिक्र कर रही थी कि एक स्पेशल जगह जाना है। तो वो आपको कल ही पता चलेगा स्पेशल जगह कौन सी है। और एनी केसेस कुछ लोग समझ चुके होंगे कि वो ऐसी स्पेशल जगह कौन सी हो सकती है। तो वहाँ के लिए ना हमें बहुत सारा सामान लेना है, यहाँ ही लेना है पे। और अभी मेरे को सब्जियां भी लेनी थी, पर ये जो हमारा भाई है ना, ये मैंने वहीं बोल दिया था जहाँ से सब्जियां मंडी से जहाँ मैं हमेशा से लेती हूँ जब शादी वादी के लिए सब्जियां लेनी होती है। इस भाई साहब ने वहाँ से 5 किलोमीटर दूर ला के मुझे बोला कि यू टर्न नहीं है। अब मैंने वो काम छोड़ दिया, वो काम मैं कल करूंगी। अब जो ये वाला जरूरी काम है पहले ये कर लेती हूँ, क्योंकि कल के दिन हम पूरा स्टक है, पूरा बिजी है। कल के दिन हमें सांस लेने की भी वो नहीं है। गोलू आज नींद पूरी कर लेंगे। तो गाइस सबसे पहले तो मैंने बच्चों के डायपर और नैन स्टेज के 4 डब्बे लिए। मैंने कहा अब स्टेज चेंज होने वाली है, चीकू के लिए कोलगेट, सेवामेट के प्रोडक्ट, तो ये एक डब्बा और देखती हूँ। तो फिलहाल हमने लेस का ले लिया है, मैडेंगल ले लिया है, हमने ये चोकोपाइस ली है, मैडेंगल ली है, हमने मंच ली है, किटकैट ली है, और भाई हमारे बच्चों के चोकोपाई ली है, पाई। अभी ड्रिंक रह गई, ड्रिंक हम बाहर से लेंगे। चलो क्योंकि यहाँ पे ना हमें जो ड्रिंक चाहिए ना वो मिल नहीं रही बच्चों को। देखो हमने जूस सोचा पर हर बच्चा जूस नहीं पीता। हमने कहा कोल्ड ड्रिंक तो बच्चा पीते पीते है, पर यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक नहीं मिल रही। गाइस यहाँ पे जो कोल्ड ड्रिंक अवेलेबल है ना बड़ी बड़ी वाली है, 2-2 लीटर वाली, ये कोल्ड ड्रिंक तो बहुत ही बढ़िया है। अगर छोटे कैन भी होते ना मैं वो ले लेती, बट कैन भी अवेलेबल नहीं है, तो बाहर से हम ले लेंगे। वो आती नहीं है इजी वाली पीने वाली, वो हाँ वो ले ली, ये वाली लेती चम्मच भाई, छोटी वाली ले, छोटी वाली ले लूँ? नहीं बाबू ये कितनी अच्छी लग रही केक के लिए छोटी। अच्छा ये वाली अच्छी लग रही केक के लिए छोटी वाली, ठीक है ये भूल गए थे ना। और डस्टबिन की बनी वो ले लेती हूँ। तो गाइस हम लोग पेपर प्लेट तो बहुत ज्यादा सुंदर लेकर आया, बहुत प्यारी सी पेपर प्लेट है फूलों वाली, तो उसके साथ ना केक के हिसाब से छोटा ही अच्छा लगता है। तो बस बाकी सामान हमने भैया को भिजवा दी। मैंने कहा भैया बिलिंग कराओ, क्योंकि देखो रात के 8 बज गए, आज का तो टाइम का पता ही नहीं चल रहा। पर ऐसा होता है जब घर में फंक्शन होते हैं ना पता नहीं चलता। तो चीकू ने मुझे आज सुबह भी बोला था कि मम्मा मेरी ना डायरी फिल कर देना, फिर आज डायरी फिल हो नहीं पाई। पर मैंने इसको कहा था, मैंने कहा मैं रात को सोने से पहले चाहे कितने बजे सोच तेरी डायरी जरूर फिल करूंगी। तो अभी हम चीकू की 3-in-1 बुक भी ले रहे हैं। तो मैं अभी स्लेट ढूंढ रही थी पर स्लेट यहाँ पे है नहीं, चौक दिखी थी मुझे, तो एक काम करूंगी चौक यहाँ से ले लेती हूँ, स्लेट बाहर से ले लूंगी। तो गाइस अभी हम सोच रहे हैं कि काम करते हैं, घर के लिए बिस्किट भी ले लेते हैं, साथ साथ बच्चों के लिए बिस्किट ले लेते हैं, क्योंकि बिस्किट हर कोई खाता है। क्योंकि यहाँ पे हमारे ना डबल डबल चॉकलेट कर दी ना, चॉकलेट एक कर देंगे, बिस्किट भी होना चाहिए ना बिस्किट आपको, क्योंकि ये होना पहले कोल्ड ड्रिंक भी नहीं मिली हमें, फिर वेरायटी कम हो जाएगी ना। तो चल वो तो बाद में निकालेंगे, यहाँ से बिस्किट भी ले लेते हैं, तो सारे कॉफी है। तो भाई आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि पायल और मैं दोनों बिस्किट खा रहे हैं, फर्स्ट टाइम मतलब लाइफ में तो नहीं, ये वाला हाँ लाइफ में मैं ये वाला बिस्किट मैं तो वैसे खा चुकी हूँ, पर प्रेगनेंसी में बिस्किट खाती थी ये वाला, वो ज्यादा पहली बार खा रही है। मैं तो खाती चुकी हूँ पहले, मुझे पसंद है हाइड एंड सीक, बट इतने टाइम से छोड़ा हुआ था, पर अब फिर भूख लगने लग गई। हाँ फ्री मिला, इतना बड़ा डब्बा हो गया है पहली बार आपने बोला। अच्छा भैया फिर ये एक काम करो, आप दो आए थे, अब ये आधा आधा कर लेना हमारी तरफ से, आप दो। तो गाइस सारा सामान हो रहा है यहाँ पे पैक, और ना चलो बहुत अच्छा हुआ कि ना हमने बच्चों के लिए मॉइस्चराइजर भी ले लिया, क्योंकि अयान की ना जो स्किन है ना बहुत ज्यादा ना ड्राई हो रही थी। तो पायल ना उसके लिए एक नॉर्मल बॉडी लोशन ले रही थी, फिर मैंने पायल को बताया, मैंने कहा पायल ये वाला बॉडी लोशन मत ली तू ना, अयान के लिए बॉडी मिल्क लिए, वहाँ पे लिखा हुआ था फॉर वेरी ड्राई स्किन। तो मैंने स्पेशली अयान के लिए बॉडी मिल्क लिया है 3 डब्बे, और अयान के साथ साथ ना बाकी बच्चों को भी लगा देंगे ताकि बच्चों की स्किन ड्राई ना हो। और घर जाते ही ना मेरे को आयान को दवाई भी देनी है, उसकी जो आयान की दवाई है ना वो सारी चेंज हो गई है, उसको क्रीम लगानी है ताकि ना उसकी जो ये माथे का बहुत ज्यादा लाल हो रहा है, बहुत ही ज्यादा पता नहीं समझ नहीं आता इतनी घर में साफ सफाई होने के बाद भी कौन सा इंसेक्ट उसके काट गया। भाई आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट हो चुके हैं ना, इतने स्मार्ट हो चुके, उनको पता नहीं कैसे पता चलता है कि कोई चीज ले रहे हैं तो उसको लेके वहाँ चले, तो अभी सामान यही करेंगे तूने। और गाइस मुझे ना बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मैंने ना न्यूज पिन निकाली है, कमेंट के साथ साथ ना हमारी पूरी टीम जैसे शांति हो गई, दीदी हो गई और मनु हो गई, मुस्कान हो गई, सब लोग बोल रहे हैं आपका ना नाक बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, और वो जो डायमंड वाला था वो बहुत संभाल के रखा था पर वो खो दिया, किसने खोया वो आपको देखना, तो चिराई उंगली पे देखना। बार बता पर वो तो मिल गया था, फिर कहाँ खो गया? फिर खो गया वो, इसका मतलब वो था ही नहीं तेरा। अच्छा 12 साल से मेरा था वो। तो गाइस बता अभी क्या हुआ, अभी मैंने ये डब्बा ये सारे में पता क्यों हंस रहे, क्योंकि मैंने बड़े ना स्टाइल मार के सब मेरे को बोल रहे भाभी रहने दो डब्बा मत खोलो, मैं कि मेरे को मत दिखाओ मैं खोल लूंगी, जैसे मैं डब्बा खोला ना। एक और बात बोल रही थी वो मेरा जैसी बात पे आकर मैं बताती हूँ, इसने बोला कि निक्की वो जैद के साथ खेल रही ना, निक्की तू जैद के साथ खेल, तुझे तेरा काम है बच्चों के साथ खेलना, दूसरी बात रहने दो। मैं सोच रही हूँ मैं बच्चों के लिए पहले डब्बे रख लूँ, बड़े खुश होते हैं डब्बों से खेल के, 4-5 डब्बे रख लो कमरे में खुश हो जाएंगे, ऐसे सारे टॉय उनसे तो खुश होते हैं, उनसे नहीं खुश होते ना, उनको ऐसी आठ पट्टी चीजें, ये जो चिप्स का पैकेट फटा था, चिप्स का पैकेट फटा था ना मैंने, बाटी इन दोनों में, ये दोनों खा रहे हैं, खा मिलके खाओ, हाँ एक पैकेट और बना के दूंगी वो भी खा लेते, ठीक है ये ले सारे फूल।
कि कह रही क्यों दीदी, पीछे से आवाज़ है क्यों दीदी, पता नहीं ये नहीं पूछ रही क्या कर रहे हो दीदी ऐसी ये वो, कह रही क्यों दीदी ये खोल के क्यों रख रहे हो। हाँ क्यों दीदी, पैकेट बना रहे हैं बेटे। बेटा कल हम जैद का बर्थडे है ना, तो उसके लिए कहीं स्पेशल जगह जाना है, तो उसके लिए पैकेट बन रहा है। कैसी से लगी रहेगी पूरी रात, ज़्यादा फर्क नहीं है दादी, बहुत फर्क है, 18-20 का फर्क है। 18-20 वो भी लगी रही छोटी बच्ची। चल देखते तुम दो मिलके कर रहे हो, मैं अकेली कर रही हूँ, कौन फास्ट करेगा। भाभी ये तो दोनों एक एक साइड से लग गए, तो भी नहीं खत्म हो रहा। उसको देखो नन्हे बच्चे को, हो गया मेरा। वो देखो भाभी वो अकेले खेल रहा है। मैं इसकी वजह से हार गई, मैं इसकी वजह से हार गई, ये मैं अगली बार अकेले खेलूंगी। चलो पहले पैकेट बना दो। सुन पायल ये कह रहे मैं भी बनाऊंगा, मदद करूंगा। ठीक है बेटा आपका बर्थडे आपको करना चाहिए। पहले बच्चे पन्नी के साथ लेके जाएगी, बिना पन्नी के, बिना पन्नी। अभी एक चीज और रह गई बेटी, कोल्ड ड्रिंक नहीं आई, बोली सुबह ले लेंगे। पायल निकी ने गलत पैकेट बनाया है। क्यों अभी तो लेज रह गए बेटा, लेज और कोल्ड ड्रिंक भी रह गई है। मैं तब तक इनका पैकेट बना। अच्छा बोलो, जैसे जब कभी हम लंगर वंगर जाते थे तो इन पन्नियों की अहमियत कितनी होती थी ना, बहुत ज्यादा। तो अभी मैं इसको बंद कर दूँ क्योंकि अभी कोल्ड ड्रिंक नहीं है। बंद मत कर, खोल के रख, डब्बे में पैक कर दूंगी। सिंगल मैं बना के दे रही हूँ, चिप्स डालती रही, पायल मुझे बना कर दे रही है, मैं चिप्स डालूंगी और पीछे चिप्स दे रही है। मैंने बंद कर दी थी, बहुत सारी पैकेट है, अगर कोई सामान निकल गया ना फिर जैसे हमारा वो खराब हो जाएगा। तो मैंने काम करें कोल्ड ड्रिंक वहीं से लेके दे। तो मम्मी ने बोला वही कर रहा ना तुम्हें, है डब्बों के साथ खेल रहा है। आंटी डब्बे हटा दो, मानता है ये, मम्मी की पूरी बात मानता है, सारी बात सुनता है। भाभी क्या तू लेके जा रही है, कहाँ ले जा रही तू, लेकिन जा रही हूँ पैकेट कर रही हो। ये सही है ना, एक लिफाफा दे दिया और क्या, ऐसे अगर हम एक एक करके देते ना सब बच्चों को, कोल्ड्रिंक की पेटी ना हो जाता है, पेटी सुबह मंगा लूंगी और वो कोल्ड्रिंक की पेटी वैसे पकड़ा दूंगी सबको, है ना। पायल एक पैकेट मांग रहे हैं भाई, नहीं एक लोगों को मैं चेक करूंगा ना, मैं चेक तो करना चाहिए बंदे को, नहीं आया उनको तुमको अलग से दे दूं यार, चेक करना भाभी अगर इसको दोगे तो मैं भी तो हूं, मैं इसलिए नहीं दे रही। चल ये ले जाता हूं एक मिनट, हट चेक तो दे दो फिर। तो वहां पे मैंने देख वो, देख वो बच्चे को देख, सिर्फ खाली डब्बों से खेल रहा है, उसे पता है जिसका है ना उसको मिला के हट ठीक दे दो भाभी, एक तो मैं भी लेके जाऊंगा। बड़े गंदे बच्चे हमारे, मैंने एक मार लिया, लास्ट में जाता वो लेके जाऊंगा भाभी। अरे ले जाइए भाई, ले जाइए, वो लंबे वाले चेक करनी है ना, वो नहीं चेक, चेक मत कर, वो जो है ना बहुत बढ़िया है। अरे देख ले, देख ले, देख ले, ये ले ये भाई, हाथ में नहीं भाई, एक काम कर दे, देख मैं मदद नहीं कर रहा पायल, जो मैं पैकिंग कर रही हूँ ये सारे कार्टन में डाल देना सामान, ये काम कर कार्टन में डाल दे, उसको मिलेंगे। इसलिए निक्की सबसे पहले लगी। अच्छा तो ये वाली जो पन्नी है ना वो, हाँ पैक हो गई है। हाँ। ये अलग से मैं चीकू के लिए लाई, अच्छा, अलग से लाई दो पैकेट, अलग से लाए थे इसको रख। तो गाइस ये पूरे 96 पैकेट बन गए, हमने अब यहाँ बहुत मतलब दूर से कैलकुलेटर को बुलाया था, जो कैलकुलेटर था नहीं ये कैलकुलेटर, सूरज कैलकुलेटर मेरे को बुलाया था, तो काफी दूर से आए हैं भैया। आपने कितने पैसे हो गए आपके हिसाब करने के, जो आप इतनी बढ़िया सेवा कर रहे हैं, तो आप जो सेवा में चेक अंदर हम सेवा थोड़ी दे रहे हैं, अरे मतलब जो आप सेवा कर रहे हो उसमें मेरी भी थोड़ी सेवा आ गई। हमने ये बोला कितने पैकेट हो गए, कितने पैसे बोले हैं हमने इनको, बुलाया ना बाहर से पैकेट लिए। हाँ। पैसे नहीं पूछ रही वो, उन्होंने पैसे पूछे मुझसे, मैंने पैसे पूछे हैं, मैंने इनको बुलाया बाहर से इंडिया के, कह रहे हो पैसे पूछे पैसे पूछे, मैं पूरी बात सुनती थी, मैंने इनको फ्लाइट करके बुलाया 50,000 की यहाँ पे आए स्पेशली, क्या पैकेट गिने कितने, तो इन्होंने पैकेट गिने 96 हुए, तो मैं इनको बख्शिश न दूं। मैंने ये बोला नहीं गिनने के लिए, बोला उसने सामान कितने का वो गिनने के लिए नहीं बोला, मैंने उनको पैकेट गिनने को बोला बाहर से बुलाया, अब उन्होंने पैकेट गिने। अब जैसे तू है, तूने मुझे कहीं से बुलाया थ्रेडिंग करने के, थ्रेडिंग करूंगी पैसे तो लूंगी ना, तो पैसे तो दूंगी उनको, मैं भी तो वही समझा रही हूँ। हाँ तो ये तो मुझे पैसे दे रहे हैं ना, तो मैंने कहा मुझे नहीं थी आप इतनी अच्छी सेवा कर रहे हो, मेरी भी सेवा आ गई उसमें। दो दो चॉकलेट लुको के रखी है उसने, नहीं एक ही है भाई, एक खाली ना, वो तेरे को भी तो मिला के खिलाई है उसने, सारा इंजाम उसमें मत लगा, ठीक है तेरे को कल लेके दे दूंगी, ठीक है ये पैकेट पूरा करना है ना, चलो आ जाओ भाभी। तीन पैकेट रह गए, हमने एक पैकेट तो इसके वाला बना लिया, तो तीन पैकेट, एक आधा एक्स्ट्रा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं ना, पांच पैकेट हो जाए और एक्स्ट्रा बना देते ना, बता भाई। हाँ भाभी एक से एक कर दो, इतने मैंने एक डाले हैं, एक डाले ना, ये तेरा हुआ। तो गाइज फाइनली पैकिंग हो गई है, बस कोल्ड ड्रिंक्स आ गई है, कोल्ड ड्रिंक सुबह आएंगी, पेटी की पेटी, वो पेटी की पेटी वैसे ले जाएंगे। अब मैं ये वापस भी गाड़ी में रखवा दूंगी, कौन सी गाड़ी में रखवाऊंगी, एक्स्यूवी में, एक्स्यूवी में रखवा दो ना,
ना तो फिर रखा और यहाँ से क्लीनिंग करवा लेती हूँ। तो बस गाइस अब थक चुके हैं, बहुत ज्यादा जा रहे हैं सोने, तो इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना मत भूलो। अपना पैकेट अलग से लेके घूम रही घर बता नहीं लुटेरे पहले आ गए।